नमस्कार साथियों, मैं गुरप्रीत सिंह आज का वीडियो लेके आए हैं आफरे का। पशुओं में आफरा आ जाता है, जो ये आप काफ को देख रहे हैं, इसको 3 दिन हो गए जो आफरा है ये टूट नहीं रहा है। 3 दिन ट्रीटमेंट करवा चुके हैं इसका, तो बताया गया कि इसमें ब्लोटोसील 1 दिन दिया था इंट्रारूमन, और दूसरे दिन टर्पिटाइन ऑयल साथ में आरएल के साथ सोडा बाइकार्ब और साथ में काफ़ी और पाउडर भी दिए थे। पर अपने जाके देखा तो ब्लॉट वैसा ही था इसका, खाना पीना बंद था, बेचैन था। तो अपने इसमें पाइप लगाई है, क्योंकि रूमन में पहले निडल बहुत लगा रखी थी, तो ये पाइप लगा के जो गैसेस है वो बाहर आ गई। तो इसमें बात करेंगे आफरा क्यों आता है। जब पशु चारा लेता है तो उसमें बहुत सारी गैसेस बनती है, कुछ गैसेस डकार के ज़रिए बाहर निकल जाती है और कुछ अपने आप रूमन में ऑब्ज़र्व हो जाती है। तो इस कारण जब ऑब्ज़र्व नहीं होती, गैसें बनती रहती है, तो आफरा आ जाता है। तो इसमें अपने इंजेक्टेबल कुछ नहीं दिया, केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया है। और ये देखो पशु दूध लेने लग गया है। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको कमेंट में बताएंगे क्या दिया है, घर में मौजूद रहता है वो। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा